नमस्कार दोस्तों, ब्रेकआउट चैट चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। कल मैंने एक वीडियो डाला था बजाज फाइनेंस के रिलेटेड, उस पे दो तीन कमेंट आई है लोगों की। सभी लोगों ने, मुझे लग रहा है कि 800 की कॉल लेके फंस चुके हैं सभी के सभी लोग। और सभी का क्वेश्चन ये की है कि 800 की कॉल ली है तो अभी क्या करना है, इस पे अपडेट दो। तो मैंने रिप्लाई भी दिए दो तीन बंदों को जिन्होंने कमेंट किया था। फिर भी मैं एक बार इसका रिव्यू कर लेता हूँ, फिर बाद में हम आज का जो स्टॉक है जिसमें बड़ी गिरावट आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओके, तो चलिए मैं आपको पहले बजाज फाइनेंस का चार्ट पे लेके जाता हूँ। ये देखो, ये कल का चार्ट है मेरे पास ओपन। कल का जो वीडियो डाला था मैंने, यहाँ पे जो वीडियो डाला था मैंने कल, ये वीडियो जाके आप देख लो एक बार। मैंने बोला था क्लियरली आपको कि जब 7,500 के नीचे जाएगा तो एक गिरावट आ जाएगी 100 पॉइंट की, और नीचे के लेवल तो अपने को देखने को मिल सकते हैं। बट क्लोजिंग 7,500 के नीचे की चाहिए थी अपने को, पर ऐसा हुआ नहीं। जाते जाते स्टॉक रिकवर हो गया। ये देखेंगे आप, लास्ट के 2 आवर्स में स्टॉक रिकवर हो चुका है। हावलिस चार्ट है ये, कल का ये, तो उसमें रिकवर होकर ऊपर क्लोजिंग दी है। अभी कल का क्या दिन क्या हो सकता है कि मार्केट, मुझे लग रहा है कल ग्रीन में रहेगा और स्टॉक वापिस ऊपर आएगा थोड़ा। ऊपर आने के बाद एक रजिस्टेंस फेस करेगा 7,600 के आसपास और वापिस नीचे जा सकता है। अभी जो लोगों ने 8,000 का कॉल लिया है उनके लिए राय है कि 8,000 इस एक्सपायरी में जाना नामुमकिन है कि ऑप्शन चेन में कॉल राइट हावी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि 7,600 या 7,800 के आसपास आए तो आप एग्जिट कर लो। कल कल का दिन और मंडे का, 2 दिन है आपके पास। ये 2 दिन में आप इसको एग्जिट कर लो। यदि ऊपर आ गया तो आपको कम लॉस हो सकता है, पर तो मुझे नहीं लगता कि 8,000 तक इस एक्सपायरी में जा देगा। जिन्होंने 8,000 की कॉल है उनका तो कॉल जीरो ही हो जाएगा। और नीचे के लेवल आप, मैंने तो आपको ड्रॉ करके दिए है, आप जाके जाए तो कल का वीडियो देख सकते हैं जाकर। ओके, तो ज्यादा इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे। तो आज का जो स्टॉक है, जिसके जिस स्टॉक में लगभग 10% के ऊपर गिरावट हुई है, स्मॉल क्या बोलते हैं, प्राइस वाला शेयर है, छोटी कंपनी है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, पर इस कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है। FIIs का अच्छा खासा क्या बोलते हैं स्टेक है इस कंपनी में, और इसके बारे में डिस्कस करने वाले। अभी मैं आपको डायरेक्टली न्यूज पे लेके जाता हूँ। जो हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हो, PTC इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, इसका जो क्या बोलते हैं शेयर का प्राइस है वो लगभग 100, 120, 130 के आसपास चलता था। और इसमें क्या हुआ है कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हर एक कंपनी में डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहते हैं बराबर, पर अभी इस कंपनी में एक ही दिन में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन किया है। तीनों का इस्तीफा आ चुका है और इसकी वजह से इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अभी उन्होंने जो रिजाइन किया है उसके साथ उन्होंने रीजन भी दिया है कि क्यों, कि उनका कहना है कि एक जो कंपनी है कि उसमें सीरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू चल रहे हैं। कंपनी में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, फाइनेंशियल सर्विस के रिलेटेड कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ऐसे आरोप करके तीनों ने आज इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आपके पास ये स्टॉक है तो आप फिलहाल के लिए इसमें तो निकल जाइए। पता नहीं आगे जाके क्या हो सकता है इसमें, क्या ये कंपनी पर नीचे भी जाए आपको 20-25 रुपये तक भी मिल सकती है यदि बड़ा इशू निकला तो। नहीं तो फिर इसके उलट भी होगा, यदि इशू बड़ा नहीं होगा शॉर्ट आउट हो जाएगा तो वापिस से स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए तो स्टॉक आपने को गिरते हुए देखने को ही मिलेगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो मैं आपको NSE पे लेके जाता हूँ। NSE पे जाके आप देखेंगे PTC इंडिया का स्टॉक आज ओपन हुआ लगभग 107 के आसपास, उसने हाई लगाया 108 का। ओके, और लो लगाया 100 रुपये का, और प्रीवियस क्लोज था 112 का, आप देख सकते हैं। और लगभग आप देखेंगे 11% का एक क्या बोलते हैं बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 13 रुपया। ये छोटी बड़ी छोटी गिरावट नहीं है, 12% की गिरावट में बहुत, 11% की गिरावट में बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है स्मॉल कैप कंपनी में। और आप एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है, आप देखेंगे कि जितने शेयर ट्रेड हुए तो उसमें से लगभग आप देखेंगे यहाँ पे कि 41% या 48%, लगभग 50% के आसपास शेयर डिलीवरी में उठाई गए। अब ये सच्ची में कंपनी में प्रॉब्लम है, इसलिए इन्होंने रीजन दिया है ऐसा है। उन्होंने रीजन दिए थे टाइम तो ऐसा ही बोला है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू चल रहे कंपनी में, इसकी वजह से हम रिजाइन कर रहे हैं। जिस ये भी जो भी रिटेल इन्वेस्टर है हमारे जैसे आपके जैसे, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर थे जो ट्रेड करते हैं, वो पैनिक होके निकल जाते हैं।
और आज वही देखने को मिला कि निकल गया और किसी ने तो माल उठा लिया है, लगभग 80% 48% का डिलीवरी उठा है स्टॉक। तो आप देखेंगे जाते जाते भी पेंडिंग ऑर्डर था, तो ये स्टॉक में जरा आप संभाल के ट्रेड करो 2-3 दिन के लिए, हो सकता है इसमें और गिरावट हो सकती है नीचे। और नीचे की तरफ जब ये जब तक ये अभी क्लियर नहीं होता कंपनी की तरफ से कि क्या इश्यू है, जब तक ये फायर भी सामने नहीं आता, क्योंकि अभी तो इनका चालू हुई है, अभी क्या क्या होगा आके जाके वो अभी कंपनी बताएगी कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ऐसा हुआ, तो कुछ सचमुच में कुछ प्रॉब्लम हुए क्या, तो सब कुछ बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल हम अभी चार्ट पे देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। मैंने चार्ट पे ड्रॉ कर लिया लाइन, आप देखेंगे मैंने डेली चार्ट लगाया है और एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया है स्टॉक ने आज के दिन। ये जो लेवल था स्टॉक ने इसको तोड़ा है आज के दिन, लगभग 104 105 के आसपास आ रहा था इस लेवल, जहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, फिर 2-3 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, और सडनली आज थोड़ा गैप डाउन के साथ में इसने ब्रेक डाउन भी दिया है स्टॉक ने। तो हो सकता है कि मुझे अभी लग रहा है कि जैसे ब्रेक डाउन दिया है तो अगला जो लेवल निकल के आ रहा है वो डायरेक्ट 92 का लेवल है और उसके बाद 87 का लेवल। ये दो लेवल के लिए तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में तो यहाँ तक जा सकता है, और ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जो पहला जो सपोर्ट मैं बोल रहा हूँ 92 का, इसको ब्रेक कर दिया तो फिर 87 की तरफ जाएगा, और 87 की तरफ गया तो और नीचे जा सकता है स्टॉक, क्योंकि हम वीकली चार्ट भी देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी यही सपोर्ट थे। यदि ये सपोर्ट तोड़ दिया तो फिर नीचे की तरफ ये स्टॉक जाएगा, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में और बड़ी गिरावट आ सकती है यदि को सचमुच कंपनी में कुछ ऐसा हो गया तो। तो ये स्टॉक में जरा संभल कर ट्रेड करो, ये मैंने दो लेवल ड्रॉ करके रखे है। आप ये स्टॉक में डायरेक्टली शॉर्ट मार के नहीं चल सकता, क्योंकि ये कैश का स्टॉक है, आप शॉर्ट कर देंगे इसमें अपर सर्किट लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप जरा शॉर्ट भी करेंगे तो संभल कर कीजिए, कि आपको ध्यान में रखना है कि जो भी अपर सर्किट का लेवल है ओके, वो आपको ध्यान में रखना है। आपने कभी कल शॉर्ट भी मारा 100 के लेवल पे, अपर सर्किट का उसका लेवल चेक कर लीजिए, उसके पहले 1-2 रुपया पहले ही अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट का लगा दे, मीन स्टॉप लॉस बोलेंगे उसको, क्योंकि वो अपर सर्किट लग गया तो खुलता नहीं है, ये बात ध्यान में रखने का। ये भी आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हो तो आपको, और यदि अपर सर्किट मिल गया तो आपको सामने वाले को आप डिलीवरी नहीं दे सकते, इसकी वजह से आपको पेनल्टी भी बैठ सकती है सेबी की तरफ से। तो संभल के ट्रेड करो स्टॉक में, मुझे लग रहा है स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है। आप देखेंगे कि बहुत दिनों के वॉल्यूम आप कैलकुलेट करेंगे, लगभग 4 महीने के वॉल्यूम से एक लगभग 4 गुना बड़ा वॉल्यूम था आज के दिन जो शॉर्ट का बना है, और बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि 87 तक जा सकता है, हो सकता है कुछ कंपनी में बुरा निकला इन्वेस्टिगेशन में तो और नीचे की तरफ जाने के लिए तो स्टॉक रेडी रहेगा। तो यही था पीटीसी इंडिया का एनालिसिस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे स्टॉक लेके आता हूँ जिनमें गिरावट हुई है, जो इन्वेस्टर फंस चुके हैं, तो उनके लिए मैं सलाह देता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कुछ स्टॉक ऐसे भी लेके आता हूँ जिसमें ब्रेकआउट हुए है, तो जब भी ये ब्रेकआउट दिखेंगे तो हम आपके लिए ऐसे शेयर्स के वीडियो लेके आएंगे। तो चले हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।